नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज करनाल विधानसभा का दौरा किया है, जिसमें आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। वो पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जलपान कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार 75 प्लस का लक्ष्य है। आपने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। अगर कभी मैं यहाँ ना आ सका तो सभी कार्यकर्ता खुद को मनोहर लाल समझकर पार्टी के लिए काम करना। पार्टी के लिए अच्छे संदेश मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव में हर कोई चाहता है अच्छे नंबर से पास हो। आगामी विधानसभा चुनावों को बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा ने भी कमर कसी हुई है। भाजपा ने इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में अपना लक्ष्य 75 प्लस रखा है, जिसको लेकर जनसभा कर गांव के दौरे भाजपा नेता व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल के दौरे पर हैं। करनाल विधानसभा में उनके कई कार्यक्रम हैं, जहां पर पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं, छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं कि कमर कसकर चुनाव की तैयारी की जाए और मेरी गैर मौजूदगी में मनोहर लाल समझकर काम किया जाए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावों की तैयारी पहले से शुरू हुई थी और आज लोगों से विधानसभा के कार्यक्रमों के दौरान मिलन हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कल गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को सिरसा में मनाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। वहीं भाजपा के 75 पार के विपक्ष की गठबंधन की चल रही चर्चा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में यह सब चलता रहता है। जैसे अपने यहाँ हम छठ का पर्व मनाते हैं, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार के लोग, हरियाणा में एक बहुत बड़ा त्योहार, वो तीज का त्योहार होता है। पता नहीं हम लोग मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। आज यानी जो ये त्योहार है तीज का, आज के दिन है, आपको बहुत बहुत इसकी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, 5 साल पहले जैसा बताया कि मैं भगवान सूर्य देव जी के मंदिर में आया था, आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब 5 साल कितना जल्दी बीत गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। लेकिन जैसा आपको पता है कि 5 साल बाद फिर उसी प्रकार के काम में से गुजरना पड़ता है। एक चुनावी चक्र होता है सारे प्रदेश में। अभी चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 महीने के अंदर यानी सारा अभियान चालू हो जाएगा और बाद में अक्टूबर के मध्य में चुनाव भी होगा। अब चूंकि आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया और उसके बाद हरियाणा के सभी विधायकों ने, केंद्र की पार्टी ने हमको मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया। जितना समय आपके बीच में आके लगाना चाहिए था, मैं शायद नहीं लगा पाया, क्योंकि पूरे हरियाणा भर में सब जगह आना जाना पड़ता है। और मैं इस बात का भी आभारी हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के नेताओं का, कि उन्होंने मेरे न आने के बाद भी आप लोगों से बराबर संपर्क बनाए रखा। अब आज मैं के इस पूरे दिन का, आज मैंने करनाल के सभी प्रमुख स्थानों पर जाकर के 12-13 जगह इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया है। आगे 2 महीने मुझे बड़ा कठिन लग रहा कि मैं ज्यादा यहाँ आ पाऊंगा, और अगर यहाँ लगातार बार बार आता रहा तो फिर हरियाणा में नहीं जा पाऊंगा। आप लोग क्या चाहेंगे, मैं हरियाणा भर में घूमू या आपके बीच में आता रहूं? हरियाणा भर में घूमू ना, तो फिर ये जिम्मेवारी अब आपकी है। तीज का त्योहार है और हरियाणा में तीज का त्योहार बहुत ही उत्साह से, उमंग से मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की पूरी जनता, विशेष तौर पर महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं इस त्यौहार को बहुत आनंद से मनाती हैं, झूले झूलती हैं, इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर, आज विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होगी करनाल से, आज पहला साल बहुत पहले शुरू कर दी थी जी। अब आज तो क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कार्यकर्ताओं को मिल रहा हूँ मैं जी, मिलने जुलने का हमारा काम चल रहा है। और कल का क्या प्रोग्राम रहेगा सर? कल सिरसा में श्री गुरु नानक देव जी का 550 साल जो जयंती का दिन है जी, उस दिन सिरसा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश भर की जनता बड़े उत्साह से, उल्लास से वहाँ भाग लेगी। सर, 75 पार को लेकर जो है विपक्ष डर में है और गठबंधन की तैयारियां कर रहे हैं। सर, करते हैं, लोकतंत्र में सब कुछ होता है। धन्यवाद जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।